कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी लेकिन वे बेनतीजा निकली है, इसलिए अब होली के बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके पश्चात प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक है और जो भी प्रत्याशी पार्टी उतारेगी उसे हर हाल में जिताने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो इस पर कुलदीप राठौर ने कहा कि अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं किया है, बाकी कौन लड़ेगा या नहीं ये स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी बेला में कोई भी नेता किसी भी नेता का नाम उछाल सकता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ जो भी है वो आलाकमान ही तय करती है। देखिए, अभी पिछले दिनों दिल्ली में जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हुई, लेकिन बैठक में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, कुछ नामों पर विचार हुआ है लेकिन अभी मामला जो है लंबित कर दिया गया है और होली के बाद संभावना है कि जल्दी ही फिर से जो है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और पार्टी जो है उम्मीदवारों को लेकर कोई ना कोई फैसला करेगी। देखिए, किसी के नाम लेने से किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला पार्टी आलाकमान को करना है और पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगी उस पर सबकी नज़र है। देखिए, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया, लेकिन निश्चित तौर पे जो जीतने की क्षमता रखता हो, और हमारा ये प्रयास होगा, हम अच्छे से अच्छा उम्मीदवार उतारने का जो है प्रयास करेंगे। देखिए, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता ना, ये तो बात ही नहीं हुई, उन्होंने तो आवेदन भी नहीं किया है, फैसला पार्टी आलाकमान को करना है, जो भी आलाकमान का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा, नहीं इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह की बातें चुनाव के दौरान चलती है लेकिन इन बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता।